गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल व्लॉग क्यूट पेट्स। तो आज के आमी बनाते जाच्छी पायसे रेसिपी। तो आपनारा सबाई आमार पायसे रेसिपी देखते चालू करुन। अच्छा अच्छा जो सॉरी बैक टू हिंदी। तो आज जो है मैंने कैमरा के साथ साथ पर्सन को भी स्विच कर दिया है क्योंकि आज किचन में जाऊंगी मैं, क्योंकि आज है मेरी बहन का बर्थडे तो मैं बनाने जा रही हूँ पायश। तो आप लोग भी, मैं सोची कि इस पायश बना रही हूँ तो रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए पायश की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गाइस दीदी जा रही है खीर बनाने, और खीर बनाने में उन्होंने यूज किया है ये तेज पत्ता और ये थोड़ा सा किशमिश, और ये रहा हमारा पायस बनाने के लिए जो भी सामग्री लगती है वो, और ये क्या है इसका नाम मैं भूल गई, चिरौंजी। चिरौंजी एंड ये रहा राइस जो दीदी ने एक घंटे पहले भिगो के रखा था, और ये रहा हमारा दूध। इतना दूध हम नहीं लेंगे, हमें इसकी दूध की क्वांटिटी को कम करने। ये कितना लीटर दूध लिया है? एक लीटर दूध मैंने ले लिया, एक लीटर से ज्यादा है ये, लगभग एक लीटर से थोड़ा ज्यादा है, तो एक लीटर लगभग आपको लेना है दूध। और अब मैं गैस को ऑन करने जा रही हूँ, गैस ऑन हो चुका है और अब क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं एक दूध को गर्म कर लूंगी पूरा, और वो भी हाई फ्लेम में कर लूंगी। और दूध गर्म करने के बाद मैं इसमें डालूंगी ये 3 तेज पत्ते, ठीक है। इससे मतलब बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो सबसे पहले मैं खीर में इसकी डाल दी, और उसके बाद मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से चलाऊंगी। और खीर में सबसे मेन यही होता है कि उसको अच्छे से आप चलाइए, क्योंकि अगर आपने उसको अच्छे से नहीं चलाया तो वो लग जाएगा और जल जाएगा। और ये चावल कब डालते हैं? अब बस थोड़ी देर बाद डालेंगे, थोड़ा सा ये दूध गर्म हो जाए। वैसे गर्म है, अगर आपका बॉइल्ड दूध है तो आपको गर्म करने की कोई जरूरत, लेकिन मेरा तो ठंडा हो गया तो मैं इसको थोड़ा गर्म कर लूंगी, तब मैं जाके इसमें चावल को डालूंगी। अच्छा, तो ये तुमने 5 मिनट तक किया ना? हाँ। तो अब मैं गरम दूध में डालूंगी 2 टेबल स्पून चीनी। हमारे घर, और कभी भी खीर बनाइए तो चीनी ज़्यादा मत करिए, अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम तो, अगर आपको अच्छी खीर खानी है तो कम से कम 2.5 चम्मच चीनी डालिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। हम लोग थोड़ा सा शुगर कम खाते हैं, हमें ज़्यादा शुगर अच्छा नहीं लगता तो हम चीनी थोड़ा कम ही खाते हैं। दीदी ये देखो लग रहा है क्या? हाँ देखिए, यही इसी के बारे में आपसे कह रही थी कि अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये ऐसे ही लगने लगेगा जैसे ये यहाँ पे लग रहा है। तो चलिए ठीक है, अभी लगा नहीं, क्योंकि अभी कोई दिक्कत नहीं होगी कि मैंने चावल नहीं डाला है। तो चावल डालने के बाद आपको पूरा चलाते रहना है 2-2 मिनट पे। तो गाइस 5 मिनट हो चुके हैं और अब दीदी जा रही है इसमें राइस को ऐड करने। तो राइस को पूरा ऐड कर दिया गया है इसमें, और दीदी अब इसको चला रही है धीरे धीरे करके। और अब गैस का फ्लेम कैसा रखा दीदी, लो या फिर हाई? मतलब मीडियम में रखिए ताकि थोड़ा सा चावल जल्दी पक जाए, और 15 मिनट्स के अंदर आपके चावल पक जाएंगे अगर आपने 1 घंटे फुलोए होंगे तो, और अगर थोड़ा कम होगा तो 20 मिनट्स में आपकी खीर तैयार हो जाने वाली है। तो गैस आप अपने खीर को, मतलब अपने पायस को, आप अपने पायस को इस तरीके से चलाते रहिए, और 15 मिनट्स के बाद आपका चावल जो है वो अच्छे से पक जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा चावल निकाल के इस तरीके से इसको थोड़ा सा ऐसे दबा के देख भी सकते हैं। तो मेरा चावल पक चुका है, तो अब मैं जो बची हुई इसमें इन्ग्रीडियंट्स है उसको मैं ऐड करने जा रही हूँ। क्या क्या ऐड करूँगी दीदी, स्टेप बाय स्टेप आप लोग देख लीजिए। मैं ले रही हूँ कुछ आमंड्स के ड्रॉप। अच्छा, और ये किशमिश, किशमिश, और ये बाहर आ गया, ज्यादा बंद तो नहीं हुआ, ठीक है, वो धीमा है। तो और उसके बाद मैं ले रही हूँ ये 5 छोटी इलायची, तो इनको ये ले रही हूँ, और ये बड़ी इलायची लोगी दीदी? नहीं बड़ी इलायची नहीं, और ये मैं लूंगी चिरौंजी। बस इतने में हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। सबसे पहले मैं इसको छील लेती हूँ अच्छे से। दीदी ने ना ये जो इलायची होता है वो डाल दी है इसमें, और आमंड्स भी मैं डाल दूंगी, इसको मैं डायरेक्ट नहीं डालूंगी, नहीं तो फिर वो बड़े बड़े बाइट्स अच्छे नहीं लगेंगे, छोटे छोटे बाइट्स आएंगे तो वो ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो 4 से 5 आप आमंड्स दे दीजिए, और अगर आपके घर में आमंड्स नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं है तो भी नहीं बना सकते हैं।
और अब दीदी इसको क्रश कर लेगी हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो ये जो आमंड्स है क्रश हो चुके हैं, तो ये आमंड्स क्रश हो चुके हैं और अब दीदी इसको इसमें ऐड कर रही है। वाह कितनी अच्छी स्मेल आ रही है गाय। जब आपका दूध एकदम गाढ़ा हो जाएगा ना तो वो इस कलर का हो जाएगा, येलो येलो टाइप का। और अगर आपका प्योर दूध है तो पक्का इस कलर में आएगा। मैं स्पेशली मैं वहाँ पे खटाल से गई थी दूध लेके आने के लिए, क्योंकि जो हम लोग के दूध वाले बहुत पानी मिलाते हैं, वहाँ पे मैंने दूध से डायरेक्ट मतलब दूध दुहा के फिर दूध लेके आया, इससे ये इतना अच्छा कलर आया है। इस तरीके का उबाल आना चाहिए तभी आपकी जो है खीर पूरी तरीके से पक चुकी है। देखिए तो उन्हें जूम करके दिखा दो, दस बस। अब आप अपनी ये किशमिश इसमें डाल सकते हैं और साथ ही साथ में चिरौंजी को भी ऐड कर देती हूँ। मुझे ना ये चिरौंजी खाना बहुत अच्छा लगता है, इतनी चिरौंजी मैं इसमें डाल रही हूँ, इतनी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। वाह सो यम। अब इसको कितने देर पकाना है? अब इसको थोड़ा सा 4 मिनट और पका लीजिए ताकि सब कुछ अच्छे से घुल के मिल जाए। खुशबू तो बहुत यम्मी आ रही है। तो गाइस 4 मिनट हो चुका है और हमारी खीर एकदम तैयार हो चुकी है और अब मैं इसकी प्लेटिंग करने जा रही हूँ। तो गैस बंद कर देते हैं। तो गाइस अब मैं सारे खीर को प्लेट में निकाल ले रही हूँ। और टपी भी यार हम खड़े होके देख रहा है ध्यान से, हाँ गिर ना जाए।